स्टूडेंट्स वेलकम बैक। चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसकी फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर से सब्सटेंस को कैसे सेपरेट किया जाता है, पृथक किया जाता है, तो उसके लिए हमने जो मेथड सीखे थे उसमें से सबसे पहले हमने हैंड पीकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन इन मेथड्स का यूज सीखा था। और आज हम एक्टिविटी 5 में सीखेंगे फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन ये कहाँ पर यूज होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जैसे एक वीकर लेते हैं, वीकर में कोई मड्डी वाटर लेते हैं। मड्डी वाटर मैंने जो गंदा पानी होता है जिसमें मिट्टी मिक्स होती है, अगर ऐसा पानी नहीं है तो क्या करेंगे, एक वीकर लेंगे और उसमें सॉइल को अच्छी तरह से घोल लेंगे और उसके बाद उसको कुछ समय के लिए रख देंगे सेटल होने के लिए। तो उसमें टू लेयर्स बन जाती हैं, नीचे बॉटम में वीकर के जो है सॉइल बैठ जाती है और ऊपर उसमें पानी की एक दूसरी लेयर हो जाती है। अब क्या करते हैं, उसको हम इस तरह से, जैसे ये है यहाँ पर दिख रहा हमें, तो यहाँ पर ये नीचे बॉटम में जो सैंड है, मिट्टी है, सॉइल है, वो बैठ जाती है और ऊपर जो है ये वाटर दिखाई दे रहा हमें, तो दो लेयर दिखाई दे रही हैं अलग अलग। फिर क्या करते हैं हम, एक दूसरे बीकर में या गिलास में जो ये ऊपर पानी है इसको हम दूसरे पानी में ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले तो हमने जो ये सेट करने के लिए रख दिया था कुछ समय के लिए मिक्स करके सॉइल को वाटर में, तो ये तो सेडिमेंटेशन कहलाता है, जो मिट्टी नीचे बैठ गई है तली में। उसके बाद में हमने जो ऊपर ये पानी की जो लेयर थी इसको दूसरे बर्तन में लिया है, उड़ेल रहे हैं इसको हम, तो इसको कहते हैं हम डिकेंटेशन, निथारना, ठीक है। अब ये जो हमारा निथरा हुआ पानी आया दूसरी गिलास में, तो हम देखते हैं कि ये पानी कैसा है, क्या ये प्योर पानी है, प्योर वाटर है, नहीं है, तो हम देखेंगे कि ये प्योर वाटर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो इसमें सॉइल मिली हुई है तो इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स मिले रहते हैं, इस कारण से इसका कलर एकदम क्लियर नहीं होता है। तो क्या इसको हम एक सीविंग के द्वारा, मतलब स्ट्रेनर के द्वारा अलग कर सकते हैं, जो ये वाटर है ये हमारा, इसमें से जो सॉइल पार्टिकल्स हैं इसको हम स्ट्रेनर के द्वारा प्योर कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर के जो तार हैं उसके, स्ट्रिंग है, उनके बीच में जो होल्स हैं वो कुछ बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद में हम एक क्लॉथ, क्लॉथ का पीस लेते हैं और उसके द्वारा यही प्रोसेस फिर से दोहराते हैं, तो देखते हैं फिर भी ये वाटर हमारा बिल्कुल क्लियर नहीं है, जबकि क्लॉथ के जो पोर्स हैं वो स्टेनर से कुछ छोटे होते हैं। तो फिर क्या करते हैं हम, इसके लिए एक फिल्टर पेपर लेते हैं, ठीक है, ये फिल्टर पेपर लेते हैं और फिल्टर पेपर को इस प्रकार से कोन के आकार में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको फनल में रख देते हैं, ठीक है। और जो वो वाटर था, ठीक है, तो उस वाटर को हम इस फिल्टर पेपर में उड़ेलते हैं, पोर करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ये फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर में जो लार्जर पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो रह जाते हैं और ये पानी जो है यहाँ पर हमें क्लियर वाटर जो है हमें मिल जाता है। इसी प्रकार से यदि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनके जूस हम निकालते हैं, तो क्या उसके जूस को हम और उसका जो गूदा होता है और सीड होते हैं उसको किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, तो द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज
चीज पनीर इन आवर होम्स। तो इसको हम स्टेनर के द्वारा भी अलग कर सकते हैं और इसको क्लॉथ पीस के द्वारा भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा पनीर, घरों में पनीर बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूध में लेमन जूस की ड्रॉप ऐड करते हैं, उसको उबाल करके, और उसको देखते हैं कि उसमें सॉलिड सब्सटेंस के जो है पीस तैयार हो जाते हैं। तो उसमें एक तो लिक्विड तैयार हो जाता है, अलग से पानी सा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो दूध से वो उसको फाड़ लेते हैं दूध को, उसमें लेमन जूस की ड्रॉप डाल करके उसको पकाया था, और पकाने के बाद में उसको रखने के बाद हम देखते हैं कि दूध जो है फट जाता है, अर्थात उसके सॉलिड पार्टिकल्स तैयार हो जाते हैं और लिक्विड अलग हो जाता है। तो उसमें लिक्विड जो मिला हुआ है उसको हम कैसे पृथक करें, तो पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्टेनर के द्वारा उसके लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस को अलग कर लेते हैं, या उसको एक कपड़े के द्वारा भी निचोड़ करके लिक्विड अलग कर लेते हैं और उसका जो पनीर है सॉलिड पार्ट्स है उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम वेपोरेशन के विषय में सीखेंगे। एक बीकर लेते हैं और बीकर में कुछ पानी लेते हैं, पानी लेकर के उसमें 2 चम्मच साल्ट की डालते हैं और उसको गर्म करते हैं, ठीक है। और गर्म करने पर जब ये पानी उबलने लगता है, उबल करके पानी क्या होता है, वो इसकी वेपर बनती है, ठीक है, वाटर की वेपर बनने लगती है जिसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। और जब वो अच्छी तरह से उसको हम पकाते रहें तो देखते हैं कि उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल समाप्त हो जाती है और बीकर की जो बॉटम है उसमें हमें क्या दिखाई देता है, वो साल्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम वेपोरेशन कहते हैं। और इसके साथ में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड वेपोरेशन, ठीक है। मतलब वाटर से इसकी जो वेपर बनती है इस प्रोसेस को हम वेपोरेशन कहते हैं। और ये वेपोरेशन जो है कंटिन्यूसली जहाँ पर वाटर होता है, ये चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, हर समय ये वेपोरेशन होता रहता है जहाँ पर वाटर होता है, ठीक है। तो एक जैसे आपने देखा होगा जो हम साल्ट खाते हैं वो कहाँ से आता है, तो ये जो है एक प्रक्रिया होती है, एक जो समुद्र होता है समुद्र के किनारे, ठीक है, इस प्रकार की ये छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं, ये इसकी मेन है, ठीक है। तो इन गड्ढों में क्या होता है, जैसे समुद्र की लहर आती है, आप जानते हैं समुद्र में कैसा पानी होता है, समुद्र में साल्टी वाटर होता है, खारा पानी होता है। तो जैसे ज्वारभाटा आता है या समुद्र की लहरें दूर तक जाती हैं, तो उसमें जो पानी आता है वो जो सी वाटर है वो इसमें कलेक्ट हो जाता है, जो ये पिट्स बने हुए हैं, ठीक है। और सन हीट के द्वारा ये वाटर जो है वेपोरेट्स होता है, मतलब वेपोराइजेशन के कारण से ये पानी जो है उड़ जाता है और इसमें से जो साल्ट होता है वो यहाँ पर रह जाता है, ठीक है। तो ये साल्ट वो साल्ट नहीं है जिसको हम खाते हैं। फिर क्या होता है, इस साल्ट को फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, वहां पर इसका प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, और तब ये पैक होकर के हमारे पास जो है शॉप पर आता है जिसको हम खाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सी वाटर से साल्ट प्राप्त करते हैं। अब एक यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब एक जो सब्सटेंस है उनको पृथक करने के लिए एक से अधिक सेपरेशन मेथड का यूज करना पड़ता है। जैसे एक्टिविटी 7 में हम देखते हैं कि सैंड और साल्ट, सैंड और साल्ट का मिक्सचर है,
तो उससे हम फिर सैंड और साल्ट को कैसे अलग कर सकते हैं? इसके लिए हम सबसे पहले सैंड और साल्ट को एक बीकर में लेते हैं और बीकर में लेकर के उसमें पानी मिलाते हैं, पानी डिजॉल्व करते हैं उसमें, और जब वो अच्छे तरह से डिजॉल्व हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, उस पानी जो उस बीकर में पानी डिजॉल्व हो गया मतलब सॉल्यूशन बन गया उसका, तो उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, ठीक है, एक आध घंटे के लिए हमने उसको रख दिया, उसको छेड़ेंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं, तो कुछ समय के पश्चात देखते हैं कि उसकी दो लेयर बन जाती हैं, एक तो जो बीकर है बीकर की बॉटम में, ठीक है, जो सैंड है वो सेट हो जाता है वहां पर, और ऊपर जो है आपने इसमें साल्ट और सैंड डाला था तो सैंड तो नीचे बैठ गया है उसके बॉटम में, और जो वाटर है वाटर में आप जानते हैं कि साल्ट डिजॉल्व हो जाता है अच्छी तरह से, तो ऊपर लिक्विड आ जाता है जिसमें साल्ट मिला हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तो सेडिमेंटेशन हो गया, अब डिकेंटेशन के द्वारा जो ऊपर वाटर है वाटर को मतलब जो लिक्विड है उसको हम दूसरे बर्तन में डिकेंटेशन के द्वारा ले लेते हैं, निथार लेते हैं उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से सैंड तो अलग हो गया, अब जो हमने वाटर दूसरे बर्तन में लिया है बीकर में लिया है वो कैसा है, उसमें साल्ट की मात्रा घुली हुई है उस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब हम उसको क्या करेंगे, एक ये केतली लेंगे और केतली में उसको लेकर के ये स्टोव के द्वारा उसको हीट करेंगे और देखते हैं उसकी वेपर बनती है, तो वेपर जब बनती है तो एक प्लेट लेते हैं मेटल प्लेट, और मेटल प्लेट को इस प्रकार से टंग के द्वारा पकड़ लेते हैं और इसके ऊपर ये आइस रखा हुआ है, ठीक है, आइस बर्फ के टुकड़े रखे हुए हैं। तो जब ये वेपर बनती है तो वेपर इस प्लेट से यहाँ पर टकराती है और ये ठंडी प्लेट होने के कारण से जो वेपर है वो मतलब कंडेंसेशन इसको बोलते हैं, तो कंडेंस होती है और कंडेंस के द्वारा ये वाटर जो वाटर वेपर है ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये हम इस बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से ये वाटर यहाँ पर इसमें आ जाता है और धीरे धीरे जैसे हम इसको गर्म करते चले जा रहे हैं तो ये सारा वाटर जो है वेपर बन करके और यहाँ पर ठंडा होकर के कंडेंसेशन के द्वारा और इसमें कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वाटर यहाँ पर आ जाता है और इसमें फिर बाद में क्या बचता है, इसमें साल्ट बच जाता है। तो इस प्रकार से हम एक जब दो सब्सटेंस या तीन सब्सटेंस एक साथ मिले होते हैं तो उनके साथ उनको अलग करने के लिए उनको पृथक करने के लिए एक से अधिक सेपरेशन मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और उस बीकर में पानी लेंगे, ठीक है, और पानी लेकर के उसमें चम्मच के द्वारा स्पून ऑफ साल्ट उसमें डालेंगे बीकर में और उसको उस चम्मच के द्वारा क्या करेंगे, स्टिर करेंगे, घुमाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। फिर उसमें एक चम्मच और डालते हैं साल्ट की तो वो भी घुल जाता है। इसी प्रकार से हम उसमें साल्ट डालते रहते हैं और उसको स्टिर करते रहते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो साल्ट उसमें घुलना बंद हो जाता है। तो जब उसमें साल्ट घुलना बंद हो जाता है, डिजॉल्व होना बंद हो जाता है, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब संतृप्त विलयन। अब ये संतृप्त विलयन हमारा तैयार हो गया तो अब संतृप्त विलयन में क्या और सॉल्यूट जो है उसमें हम डिजॉल्व कर सकते हैं। मान लिया ये हमने साल्ट का सॉल्यूशन बनाया था तो उसमें और साल्ट डिजॉल्व कर सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए हमारी दो कंडीशन है जिसके द्वारा हम इसमें साल्ट और डिजॉल्व कर सकते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन है, या तो हम जो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था इसको हम गर्म करें, ठीक है,
अगर हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर फिर इसमें साल्ट की मात्रा को और डिसॉल्व किया जा सकता है, या ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसमें वाटर और ऐड कर लें। यदि हम इसमें वाटर और ऐड कर लेंगे तो इसमें साल्ट की और मात्रा को घोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो कौन सी कंडीशन है जिनके जिसके द्वारा जो हम उसमें साल्ट की मात्रा को और अधिक घोल सकते हैं या सॉल्यूट जो है उसमें और अधिक घोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक कोई लिक्विड है, उस लिक्विड में क्या सभी जो सॉल्यूट हैं, मतलब डिफरेंट सॉल्यूट एक ही मात्रा में डिजॉल्व होते हैं, इक्वल मात्रा में डिजॉल्व होते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि हम 100 मिलीलीटर वाटर लें तो 100 मिलीलीटर वाटर में साल्ट की कितनी मात्रा घुल जाती है, या शुगर की कितनी मात्रा घुल जाती है, या और कोई चीज है जैसे वॉशिंग पाउडर है कितनी मात्रा उसमें घुल जाती है, या कॉपर सल्फेट पाउडर है वो कितना घुल जाता है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग सब्सटेंस के द्वारा इस एक्टिविटी को कर सकते हैं और पता करेंगे कि एक जो निश्चित मात्रा है वाटर की उसमें क्या ये डिफरेंट सब्सटेंस इक्वल मात्रा में घुलते हैं या अलग अलग मात्रा में, मतलब किसी की मात्रा अधिक घुल सकती है, किसी की मात्रा कम घुल सकती है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में ये सेपरेशन के बहुत सारे मेथड सीखे और इनमें से कुछ मेथड्स का यूज जो है लेबोरेटरी में भी होता है। तो वी ऑल्सो लर्न दैट ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड, और हमने सीखा कि किसी सब्सटेंस को लिक्विड में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया जाता है, और हमने ये भी सीखा कि एक सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो क्या होता है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा और अधिक ना घोली जा सके। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू।